देश भर में 74वां योमे जमहूरिया यानी गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद जैद कुरैशी, सामाजिक और सियासी कार्यकर्ता मंजूर आलम ने मौलाना आजाद ईदगाह मैदान में फुटबॉल टूर्नामेंट और जरूरतमंदों के बीच कंबल भी तकसीम किया। वहां मौजूद बच्चों के बीच में तोहफा भी तकसीम किया गया। मौलाना आजाद ईदगाह मैदान एक ऐसा ऐतिहासिक और तारीखी मैदान है जिसमें बहुत सारे बच्चे इस मैदान में खेलते तो हैं, मगर साथ ही साथ मौलाना आजाद ईदगाह मैदान में ईद उल फित्र की नमाजें, ईद उल जुहा की नमाजें, जनाजा की नमाजें और साथ ही साथ बच्चों की भविष्य, छात्र छात्राओं, स्कूल कॉलेज हो या हॉस्पिटल के स्टूडेंट, मौलाना आजाद ईदगाह मैदान में स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का इस मैदान में लाभ उठाते हैं। बल्कि छात्र छात्राओं के स्पोर्ट्स खेल खुद के अलावा भी बुजुर्ग माँ बहनें जो अक्सर व बेशतर बीमारियों में मुब्तला रहती हैं, तो वो मौलाना आजाद ईदगाह मैदान में सुबह ताज़ा व तरीन हवाएं, मॉर्निंग वॉक के लिए भी माँ बहनें वहाँ अक्सर जाया करती हैं। औरतों के लिए मौलाना आजाद ईदगाह मैदान में इस्तीमा भी करवाया जाता है। वहाँ के रहने वाले लोग सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद जैद कुरैशी मैदान की साफ सुथराई का भी बेहतर ध्यान रखते हैं और मैदान को साफ सुथरा बनाए रखते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद जैद कुरैशी, सामाजिक और सियासी कार्यकर्ता मंजूर आलम, शेख अकबर, जाकिर हुसैन, मोहम्मद मुमताज, सैयद कुतुब, मोहम्मद जैद हुसैन, मोहम्मद इस्लाम ने तमाम मुकामी लोगों के साथ पूरे देश को यौमे जमहूरिया की बधाई दी। इस मौके पर सारे मेम्बरान का यही कहना था कि हमारा मकसद आने वाले दिनों में अच्छे कामों को करना है और लोगों को जोड़ना है। हमारी कोशिश है कि आइंदा दिनों में स्पोर्ट्स एकेडमी कायम कर सके, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। आइए देखते हैं पूरी खबर। आपके चैनल के जितने भी व्यूवर्स हैं सबको मेरे दिल से, मेरे तरफ से हार्दिक रिपब्लिक डे। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे मालिक, मेरे खालिक, जो अपने रहम व करम से इतना अच्छा काम हम लोगों से कराए हैं। मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद जो हमारे जो संगठन हैं, जो हमारे एरिया में जो रहने वाले हमारे भाई बोले, हमारे बहन बोले, सब ने हमारा साथ दिया रिपब्लिक डे के मौके पर। बहुत सब रात भर खटे, तब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हम लोगों का प्रोग्राम कामयाब हुआ। अगर साथ कोई नहीं देता तो शायद आज हम लोगों का प्रोग्राम कामयाब नहीं होता। मैं फिर से हमारे संगठन के जितने भी लोग हैं सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया कह रहा हूँ, और गणतंत्र दिवस के मौके पर मैं उन्हें हैप्पी रिपब्लिक डे कह रहा हूँ। हम लोग टूर्नामेंट जो कराए थे तो बच्चों लोग का कुछ मांग था। रिपब्लिक डे के टाइम में एक हम लोग छोटा मोटा फ्रेंडली मैच खेलना चाहते हैं, भैया हम लोगों का मैच करवा देते तो बहुत अच्छा होता। तो हमने ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। तो हम कोशिश किया, अल्लाह का रहम करम से अल्लाह वो टूर्नामेंट को भी कामयाब करा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह 200 लोगों को हम लोगों ने ब्लैंकेट दिया है, और इंशाल्लाह अगर ज़िंदा रहें तो इससे अच्छा प्रोग्राम करेंगे। आज तो 200 दिए हैं, आने वाला दिन में इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने हमें हैसियत दिया तो 2000 ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। आज हम आपके कैमरा के सामने बोल रहे हैं इंशाल्लाह। देखिए, सबसे पहला बात ये, मैदान से मुझे बहुत मोहब्बत है, क्योंकि इसी मैदान में मेरे अब्बू छोटा से बड़ा हुए, मेरे खानदान छोटा से बड़ा हुआ, हम लोग भी अब छोटे से बड़ा का जगह में जा रहे हैं। इसी मैदान में हमारा बच्चा भी खेलता है, और इस मैदान से हम मोहब्बत इसलिए करते हैं, इस वार्ड में इतना अच्छा मैदान आपको नहीं मिलेगा, इसलिए ये मैदान को हम हर वक्त अपने तरफ से कोशिश करते हैं अच्छा से अच्छा करने का। क्योंकि मैदान जब रहेगा तो आपको माहौल अच्छा मिलेगा, फुटबॉल खेल सकते हैं आप, फुटबॉल क्रिकेट खेल सकते हैं, बच्चा लोग इन्जॉयमेंट कर सकता है। बस इसीलिए हम मैदान के पीछे मेहनत करते हैं, और मेरा मैदान से कोई लेना देना नहीं है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ नहीं किया, जो मेरा अल्लाह हमसे करवाया
वही हम किया, क्योंकि मेरा कोई औकात नहीं है किसी के लिए कुछ करने का। मेरा अल्लाह जो जो हमसे काम लिया अल्हम्दुलिल्लाह हम कर देंगे, आगे भी अगर मेरा अल्लाह हमसे कोई काम लेगा तो इंशाअल्लाह हम गरीबों के लिए और हमारे संग में रहने वाले हमारे एरिया में रहने वाले भाइयों के लिए कुछ ना कुछ और हमारे वार्ड में रहने वाले भाइयों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह, जितना हमारा औकात रहसियत रहेगा। नहीं देखिए जगह पॉलिटिक्स पे तो हम बचपना से हैं आप जानते हैं, अब पॉलिटिक्स ये करके हम पॉलिटिक्स में अपना जगह बनाएंगे। आप अच्छा काम कीजिएगा अपने आप आपका हर जगह जगह बनेगा, सिर्फ अच्छा काम करना है, बुरा को रोकना है और अच्छा काम करना है, पब्लिक अपने आप आपको अपना दिल में रखेगा। और पब्लिक का काम नहीं कीजिएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको पब्लिक अपना नज़र और अपना दिल से गिराएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो सोशल काम मैं नहीं आपको भी मैं आपके कैमरा के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आप भी सोशल काम में जुड़े रहें, क्योंकि सोशल काम एक ऐसा चीज़ है जो हमारे ज़रिए से अगर कोई गरीबों का भला हो रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सभी को मेरा ये मशवरा है आप लोग भी सोशल काम से जुड़े रहें। ये हम नहीं कराते, हम लोग कराते हैं। ईद बकरीद का नमाज हम नहीं कराते, हम लोग सब मिल कर कराते हैं और साफ सुथरा हम लोग सब मिल के करते हैं। हम लोग हमारे संघ में जो जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं सब हमारे कदम में कदम मिलाकर हमारा साथ देते हैं, मैदान को खुद से साफ करते हैं। कोई भी डिसीजन लेने के होता है तो हम लोग खुद से करते हैं, क्योंकि मैदान से हम लोगों को बहुत मोहब्बत है, क्योंकि ये हम लोगों का ईदगाह ग्राउंड है, इसमें हम लोगों का ईद बकरीद जनाजा का नमाज होता है, इज्तिमा होता है, कवाली होता है, जलसा होता है, स्पोर्ट्स होता है। जैसे कि आप हाल ही में देखे होंगे 6 जनवरी को आपका आलिया यूनिवर्सिटी का एक स्पोर्ट हुआ था, कल आपका 27 जनवरी है, अभी आप जाके देख सकते हैं हमारे जो नेशनल मेडिकल कॉलेज के जो जूनियर डॉक्टर लोग हैं वो लोग अभी खेल रहे हैं, क्योंकि हम लोग ग्राउंड बनाए हैं वो लोग खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। जो हम लोगों का ग्राउंड मेहनत किया हुआ ग्राउंड में अगर कोई खेल रहा है और वो डॉक्टर जब फ्यूचर में वो जब सीनियर डॉक्टर बनेगा तो वही डॉक्टर फिर हम लोगों का फ्री में इलाज करेगा, तो इसलिए हम लोग उन लोगों का हेल्प करने के लिए और कोई भी डॉक्टर कोई भी आलिया यूनिवर्सिटी से हम लोग 1 रुपया नहीं लेते, हम लोग जो करते हैं अपना पॉकेट से करते हैं, क्योंकि ये हमारा ईदगाह ग्राउंड है, हम लोग इसमें ईद और बकरीद का नमाज पढ़ते हैं, ये दिमाग में रखिएगा आप। जैद कुरैसी जब तक जिंदा रहें बस अल्लाह हमसे सोशल काम करवाते रहें, बस और हमको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, आप कैमरा में खुद कैद किए हैं हम लोगों का प्रोग्राम को और किस तरीके से हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम हुआ है वो तो आप खुद देख रहे हैं अपने आँखों से। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर ज़िंदा रहें तो 15 अगस्त में इससे भी अच्छा प्रोग्राम करके दिखाएँगे इंशाअल्लाह हम लोग सब मिलकर। वालेकुम।